क्या आप जानते हैं किसने रायबरेली में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जलाई थी क्रांति की मशाल? जलियांवाला बाग हत्याकांड और अंग्रेजों की क्रूरता के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है एक जलियांवाला बाग की घटना रायबरेली में भी हुई थी, जहां की गई थी 700 से अधिक किसानों की निर्मम हत्या। माटी की विरासत के इस सफर में आज हम जानेंगे रायबरेली के पौराणिक इतिहास, साथ ही साथ आज हम पड़ताल कर जानेंगे इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। आज का रायबरेली त्रेता युग में प्रसिद्ध कौशल साम्राज्य का एक भाग था, जिसमें भगवान राम का शासन था। कौशल साम्राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जो आज भी रायबरेली के बहुत करीब है। रायबरेली अवध क्षेत्र का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है, इसलिए यहाँ के लोग मुख्य रूप से अवधी बोलते हैं, जो कि हिंदी भाषा का ही एक रूप है। रायबरेली के सरेनी क्षेत्र के गेगासों में गंगा नदी का मनोरम तट है, जो ऋषि गर्गाचार्य की तपोभूमि है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला का वर्णन अपने लोकप्रिय संग्रह श्री गर्ग संहिता में किया है। आजादी की लड़ाई में भी रायबरेली पीछे नहीं रहा। यहाँ की फड़कती भुजाओं ने भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आजादी की अनेक गाथाएं हैं रायबरेली की। उन्नाव के बैसवारा के राजा राणा बेनी माधव सिंह ने रायबरेली के एक बड़े हिस्से में अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्रांति की मशाल जलाई थी। रायबरेली उन्नाव और लखनऊ के अंग्रेजों के अत्याचार का सामना करने के लिए बैसवारा के राणा बेनी माधव ने हजारों किसानों मजदूरों को जोड़कर क्रांति की वो मशाल जलाई थी जिसने अंग्रेजों को हिला दिया था। घेराबंदी के बाद भी फिरंगी बेनी माधव को पकड़ नहीं सके। राजा बेनी माधव प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख योद्धाओं में से एक हैं, जिनका इतिहास और बलिदान स्वर्णिम है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रायबरेली के मुंशीगंज में सई नदी का एक छोर वह स्थान है जहां 7 जनवरी 1921 को देश का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना हुई थी और 700 से अधिक किसानों की एक सभा के दौरान अंग्रेजों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। खून ऐसे बहा कि सई नदी की धारा किसानों के खून से रक्त रंजित हो उठी थी। रायबरेली के आलमपुर गांव में भगवान शिव और हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, जिसमें प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही डलमऊ के गंगा तट पर भी कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा मेला लगता है। रायबरेली के सफर में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और जिले की विरासत के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें और प्रेरणा मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।